फ्रेंड्स कचौड़ी बनाने के लिए ले लिया है मैंने ये ढाई ढाई कटोरी तक है, ये दो बड़ी कटोरी और हाफ कटोरी मैंने मैदा लिया है। इसमें अब थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसका मोयन करेंगे। थोड़ा थोड़ा तेल डालते हुए इसको करना है। आपको हाथ से ऐसे मसलते रहना है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल और डालते हुए इसको मलते रहेंगे। इसको करते रहेंगे ऐसे अच्छे से मलते रहेंगे जब तक ये अच्छे से, इसमें भी पानी भी ऐड करेंगे और मुट्ठी ना बनने लगे तब तक इसको मलते रहेंगे। इसमें हाथ में मसल के एक चम्मच अजवाइन भी डालेंगे। और आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। इसे मलते हुए देखिए अब थोड़ी थोड़ा ये अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया। आप देख सकते हैं मुट्ठी में बन रहा है। इसमें पानी भी मिक्स करते हुए इसको आटे की तरीके से अच्छे से गूंथ लेंगे। ये देखिए आटा अच्छे से नरम से गूंथ गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कचौड़ी का भरवा बनाने के लिए मैंने लिया है बेसन का सत्तू। इसके साथ में लिया है दो मीडियम साइज की प्याज कट करके, चार पांच लहसुन छोटे छोटे कट किए हैं और ये भरा मिर्चा। इसके ये आपके पास नहीं है तो आप आमचूर का पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके साथ में मैंने लिया है तीन बड़ी मिर्ची कट करके और ये धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ें इसमें मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। अब इसमें नमक डालेंगे करीब एक छोटी चम्मच नमक ऐड किया है, एक से डेढ़। और अब जीरा पाउडर इसमें मिक्स करेंगे एक बड़े चम्मच। अब इसमें सरसों का तेल मिक्स करेंगे दो बड़े चम्मच और इसमें मैश करके दो छोटे साइज के आलू। इसको ऐड कर देंगे अच्छे से और पूरा मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स ये भरवा देखिए रेडी हो गया है। अब हम आटे की लोइयां लेते हुए अच्छे से उसको गोल गोल करते हुए इसमें भरेंगे। इसको बस थोड़ा थोड़ा प्रेस कर देंगे, इसको बेलेंगे नहीं क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी होती है। ऐसे ही बाकी के भी बना लेंगे। ये देखिए बना के रेडी कर लिया है। इधर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था और ये गरम हो गया है। अब इसको तलेंगे थोड़ा सा डाल के। देखिए अब इसको अच्छे से इसको तलते रहेंगे और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको तलेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा और जलाना नहीं। इसको मीडियम आंच पे इसको धीरे धीरे तलना है। देखिए अच्छी तरीके से ये तल उठा है। अब इसको उतार लेंगे। ये देखिए कचौड़ियाँ बना के रेडी हो गई हैं। मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ये क्रंची लग रहा है और बीच में देखिए वाव, ये खाने में बहुत यम्मी होता है। आप इसको चटनी के साथ में, मीठी चटनी या तीखी चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।